Hey guys, what's up and welcome back to the life of Fazil. So I hope you all are fit and fine और होना भी चाहिए fit and fine जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ. So before starting the video मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हम जो है 2000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक है. So please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना. नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो. ओके, तो थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं. यस, तो आज हम एक ऐसे वे प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियन मार्केट में बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है, जिसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आपकी पॉकेट मनी कम हो, बट आपको बॉडी बिल्डिंग में आना है, आपको आपकी फिजिक को जो है मेंटेन रखना है. सो ये वे प्रोटीन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है. सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम जाते हैं प्रोडक्ट की ओर. क्या है मैं आपको बताता हूँ, आगे वीडियो देखते रहिए. सो हम बात करने वाले हैं एज इट इज़ के वे प्रोटीन के बारे में, जो कि बिल्कुल ही एक रॉ वे प्रोटीन है. इसमें आपको कोई फ्लेवर नहीं मिलेगा, नो एडिटिव्स एंड नो प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग. सो इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप जाके चेक कर सकते हो. उससे बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग ने जो ये वीडियो बना चुके हैं. सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मेरे जो कॉन्टेक्ट्स में है जिनको इसके बारे में नहीं पता है, सो मे बी मेरी वजह से थोड़ी उनकी हेल्प हो जाएगी. जो चाहते हैं जेन्युइनली, उनको जो बजट भी देखना है और जिनको बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, सो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है. अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में. सो इसमें आपको जो है 30 ग्राम का स्कूप मिलता है, जिसमें पर सर्विंग आपको 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, विच इज़ वेरी गुड. एंड इसमें टोटल फैट जीरो है, सैचुरेटेड फैट जीरो है. तो जितनी भी डिटेल्स है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो पाउज करके. एंड अगर आपको पता लगाना कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं, ओरिजिनल है या नहीं, आपको चेक करना है, तो हर पैकेट के साथ में आपको एक बारकोड मिलेगा, जिसे आप लेट्स वेरीफाई ऐप पे जो है स्कैन करके चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है या नहीं. एंड इसकी जो लैब रिपोर्ट है वो भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो. तो इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात हो गई. अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को रॉ वे प्रोटीन लेने के बाद में ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है एंड डाइजेशन में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है. सो मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक के, मैंने 5 to 6 जो पैकेजेस के ख़त्म कर चुका हूँ. और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए. एंड बहुत से लोगों को होता है कि डेयरी प्रोडक्ट जो है वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और आपको पता होगा कि वे प्रोटीन जो है वो दूध से बनता है. तो मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक का. एंड आपको बता दूं कि आपके पास में वे प्रोटीन, रॉ वे प्रोटीन जो आता है, ये आने से पहले आपको इसमें से लैक्टोज निकाला जाता है, शुगर निकाली जाती है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो है निकाल कर प्योर फॉर्म में आपको जो है वे प्रोटीन डिलीवर किया जाता है. तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इतना बड़ा डब्बा एक बार ले लो, छोटा सा पैकेट भी लेके ट्राई कर सकते हो. अगर आपको सूट होता है, आपको ऐसा लगता है रिजल्ट्स दिखते, तो आप आगे फिर जो है बाय कर सकते हो. सो अब बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में, इसकी मिक्सिबिलिटी के बारे में, एंड कितने टाइम में मिक्स होता है, कैसा टेस्ट है, मैं आपको पीकर बताता हूँ. ये हमने लिया 1 स्कूप वे, या इसमें डाल दिया हमने ये 1 स्कूप वे. एंड पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, सो आप डेली 4 to 5 लीटर वाटर पीजिए. एंड अभी हमने लिया 400 ml, मैंने 400 ml वाटर लिया है. मिक्स करते हैं इसे एंड पीकर बता दो कैसा है. सो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी से मिक्स हो जाता है. एंड हाँ, एक और एक चीज़, रॉ वे प्रोटीन में हमेशा झाग बनता है. सो अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा और दिखा देता, देखो. सो ये झाग बन जाता है, बहुत से लोग डरते हैं कि अरे झाग बन गया ऐसा वैसा. सो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, रॉ वे प्रोटीन में हमेशा झाग बनता ही है. और अगर आपको देखना है कि आपका प्रोटीन ओरिजिनल है, तो ये भी एक निशानी है कि आपका रॉ प्रोटीन जो है हमेशा उसमें झाग बनेगा. सो अभी मैं पीके बता रहा हूँ कैसा इसका टेस्ट है. सो इसका टेस्ट बिल्कुल, अगर आपने बचपन में जो है मिल्क का पाउडर पिया होगा, तो बिल्कुल उसका टेस्ट इसके जैसा ही है. एंड उसमें शुगर होती थी, वो थोड़ा मीठा होता था, ये बिल्कुल भी, मतलब इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल फीका है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल मिल्क पाउडर जैसा ही है. सो आप लोगों को
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पीने में, बट मुझे तो अच्छा लगता है, मैंने इसलिए 6 डब्बे इसके ख़त्म कर दिए ऑलरेडी। सो यही था। हाँ, तो आपने इसकी मिक्सिबिलिटी देख ली, मैंने आपको पीकर बता दिया इसका टेस्ट कैसा है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। सो मैंने ये 2 kg का परचेज किया था, मुझे कुछ अराउंड 2600 के आसपास पड़ा था। मैंने एज इट इसकी वेबसाइट से मंगाया था। अगर आपको परचेस करना है तो आप अमेजोन से भी ले सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और इनकी खुद की वेबसाइट है एज इट इज़ की, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। इसमें छोटा पैकेट भी आता है, आपको ज़रूरी नहीं इतना बड़ा लेने के लिए स्टार्टिंग में। आप 1 kg से भी शुरू कर सकते हो, 1 kg आपको अराउंड 5 to 1600 समथिंग, 15 to 1600 के अराउंड आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, तीनों की जगह पर। सो आप चेक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कीजिए। एंड बस इतना ही था आज के वीडियो में। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, और ये था मेरा रिव्यू एज इट इज़ को लेकर। एंड आपको बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था, मुझे जनरली पसंद आया, मुझे रिजल्ट्स दिखे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लेता हूँ। हो सकता है मेरी वजह से किसी एक की भी हेल्प हो जाए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है शेयर करना अपने एक फ्रेंड के साथ में, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम जो 2000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक है, सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बस वीडियो में आज के लिए इतना ही था, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। सो पीस आउट।